गांव के किनारे एक गरीब आदमी रामू अपने छोटे से घर में अपने पत्नी सुमित्रा और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू एक मजदूर था जो खेतों में काम करके मुश्किल से अपनी दिन रात की रोटी जुटाता था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन रामू के मन में हमेशा एक सपना था, अपने बेटे को शिक्षित करना। रामू दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। सुमित्रा अक्सर कहती, रामू तुम इतना मेहनत क्यों करते हो, हमारे पास क्या है? रामू हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, सुमित्रा अगर हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो वह एक बेहतर जिंदगी जी सकेगा। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। रामू ने साधु की बातें सुनी और सोचा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे को शिक्षा दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। रामू ने तय किया कि वह अपनी दिन की कमाई का एक हिस्सा बचाएगा। उसने अपने खर्चे कम कर दिए और मोहन के लिए किताबें खरीदने का हर दिन वह मोहन को स्कूल भेजता। हालांकि स्कूल की फीस उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी मेहनत से थोड़े पैसे बचा दिए और मोहन को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मोहन ने पढ़ाई में बहुत रुचि दिखाई और धीरे धीरे कक्षा में अव्वल आने लगा। रामू और सुमित्रा को अपने बेटे पर गर्व होता था। एक दिन मोहन स्कूल में एक प्रतियोगिता जीत गया। वह गांव का पहला बच्चा था जिसने शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल की। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी मेहनत रंग लाई। मोहन ने अपने नए स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। वह हमेशा अपने पिता की मेहनत और बलिदान की कहानी सुनाता और यह तय करता कि वह बड़ा होकर अपने गांव के लिए कुछ करेगा। समय बीतता गया और मोहन पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करता रहा। 6 साल बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रसिद्ध इंजीनियर बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया ताकि अन्य बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। रामू और सुमित्रा ने अपने बेटे को देखकर गर्व महसूस किया। मोहन ने गांव में शिक्षा का एक नया युग शुरू किया। अब गांव के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे और रामू का सपना सच हो गया था। उसने साबित कर दिया कि कठिनाइयां केवल अस्थाई होती हैं और सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह रामू ने न केवल अपने बेटे के जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव के बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल किया। उसकी मेहनत और धैर्य की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, यह सिखाते हुए कि सच्चा धन ज्ञान और शिक्षा में है।